चले खुद एतमादी के बारे में पढ़ते हैं। जब भी बात करें खुद एतमादी से काम लें और अपने मुखातिब की आंखों में आंखें डालकर बात करें। नजर झुकाकर बात करने से या दौरान गुफ्तगू इधर उधर देने से आप किसी को मुतासर नहीं कर पाएंगे। झिझक शर्माहट और एहसास कमतरी के एहसास को करीब न भटकने दें। ये ख्याल करें कि आपका मुखातिब भी आप ही की तरह एक इंसान है और जिस तरह आप अपने गुफ्तगू के नतीजे के बारे में मुतफक्किर हैं, हो सकता है कि ज़हनी हालत भी आपसे मुखलिफ ना हो। इस अंदाज से बात ना करें जैसे आपने किसी का कर देना हो, बल्कि सीधे साधे अंदाज में खुलकर बात करें और अपनी बात में वजन पैदा करने की कोशिश करें। आप जो कुछ कहना चाहते हैं वाज़ह अंदाज से कहें डालें और किसी किस्म का अभाव पैदा ना करें। खुद एतमाद आपकी गुफ्तगू में चार चांद लगा देगी। जब आप अपनी ज़ात और अपनी बात के बारे में पूरा एतमाद होंगे तो आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे और अपना मुद्दा साफ अल्फाज में बयान करेंगे। लोग भी इस शख्स को पसंद करते हैं जो साफ साफ अल्फाज में बात करने का आदि हो, जिसकी बात में वजन हो। इसके लिए आप अपनी वाज़िकार करके खुद सुने और अपनी गलतियां नोट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक आईने के सामने खड़े होकर बोलने की मशक करें और अपने आप से कहें कि आप दूसरों के सामने बात करते हुए बिल्कुल नहीं घबराएंगे। मैं इस शेर पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है।